मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। देखो बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सर जो आप लिख पा रहे हो इन्हीं को नोटबुक में लिखना है ना? क्या बेटा? जो आप ये नोट्स लिखवा रहे हो इन्हीं को ही लिखना है ना नोटबुक में? हाँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्या था मेन क्राइटेरिया एलिमेंट्स को अरेंज करने का? देखो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसको हम बोर्स टेबल भी बोलते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया बेटा उसने? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इन देयर सबशेल्स on this behalf table divided into four blocks, चार blocks में divide किया बेटा उस इसके behalf पे table को। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कि किस कौन से सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे बेटा उसके अंदर? ठीक है, यस सर। उसके बाद पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पीरियोडिसिटी का जो मेन कॉज था बताओ, पीरियोडिसिटी का मेन कॉज क्या था लक्की? बेटा मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मेन कॉज इज रेपिटेशन। किस चीज का रेपिटेशन था सर? प्रॉपर्टीज आफ्टर डेफिनेट इंटरवल। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। Repetition of similar electronic configurations. Yes, sir. O
ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल, उनके आउटर मोस्ट सेल की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रेगुलर जो रेपिटेशन था वही था बेटा मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। समझ गए बात? यस सर। पीरियोडिसिटी का मतलब जैसे असेंबली में आप लाइन में खड़े हुए हो, तो जैसे एक इलेवेंथ क्लास की लाइन है तो इलेवेंथ क्लास की लाइन छोटी हाइट से बड़ी हाइट के बच्चे खड़े होंगे, फिर ऐसे ट्वेल्थ क्लास की लाइन बन जाएगी, तो रेगुलर रेपिटेशन हो गया ना बेटा हाइट का। इसलिए पीरियोडिसिटी थी किसमें, मतलब इसमें क्या बेटा? ब्लॉक पीरियोडिसिटी ब्लॉक्स में थी। पीरियोडिसिटी किसमें थी? पीरियोडिसिटी क्या बोल रहे हैं? ये जो पीरियोडिसिटी सर किसमें थी? ब्लॉक्स में थी क्या? बेटा तेरी आवाज साफ नहीं आ रही है। अरे जो पीरियोडिसिटी थी ना, हाँ अरे ये ब्लॉक्स में थी क्या? हाँ ये ब्लॉक में भी पीरियड में भी सब में आएंगी। टेबल डिवाइडेड इनटू टेबल डिवाइडेड इनटू 18 वर्टिकल कॉलम्स Known as groups, 18 vertical columns को नाम दिया बेटा groups, and seven horizontal rows, groups and seven horizontal rows को क्या नाम दिया बेटा उसने? periods okay yes sir। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ये modern periodic table के मतलब main criteria था कि सबसे पहले तो atomic number था periodic function, atomic number is the will decide the periodic properties of the elements, जो सारी उसकी physical और chemical properties को कौन decide करेगा modern periodic table में? एटॉमिक नंबर्स के भी आप पे हम प्रेडिक्ट करेंगे बेटा। ओके यस सर। मेरे कोई डाउट है तो बोलो इसमें। नो सर। आप देखो इसको टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। हो गए बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 7। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट
सेवन पीरियड्स आ गए बेटा इसमें। आ गए सर। यस सर। देखो बेटा 18 ग्रुप्स हो गए। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सर 18 ही है। क्या बेटा 18 ही है सर। 14 15 16 17 18। इस 18 ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक बेटा। अब इसमें जो नील बोर का जो उसका मेंडलीफ का जो कंट्रीब्यूशन था उसको बेटा रिगार्ड दिया गया, तो इसको नाम दे दिया गया फर्स्ट ए, वन ए ग्रुप, वन ए, ये टू ए, थ्री बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी, सेवन बी और ये एट्थ, इसको पूरा एट्थ ग्रुप नाम दे दिया, वन ए, वन बी और ये टू बी, उसके बाद थ्री ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए। ठीक बेटा। और ये हो गया जीरो ग्रुप आपका। अब देखो फर्स्ट ए, ये वाला जो फर्स्ट ए लिख रहे हैं हम, देखो ये है एस ब्लॉक और ये यहां से लेके यहां तक ये को क्या है बेटा, ये आपका डी ब्लॉक और 16 से 18 तक ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। अब देखो बेटा इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। यस सर। एलिमेंट्स देखो है लीना की रब से फरियाद, सेवन हो गए बेटा, है लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके। यस सर। उसके बाद देखो बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके। यस सर। उसके बाद देखो बेटा साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नी क्यों जलाती, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नी क्यों जलाती, जलाती यारी जरा निभा मोतक
रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। देखो ला आफ्ता, ला आफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। आफ्ता जानते हो ना, बेटा आफ्ता जानते हो नहीं जानते? आफ्ता वीक से वो तो जानते हो। लक्की जानता है? नहीं सर जानता। लक्की क्या जानता है? सर आफ्ता समझ गया। क्या बेटा क्या कह रहा है? सर आफ्ता वो वाला आफ्ता ना, समझ गया मैं। समझ गया सजल क्या होता है आफ्ता? सर जो मूवी में लेते हैं। हाँ मूवी में क्या, रियल में भी ले सकते हैं। ला आफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। उसके बाद देखो बेटा ए सी आर एफ डी बी श्रीगंगानगर भरतपुर हस मिट्टी डस्ट। क्या बोला बेटा मैंने? ACRFDB श्रीगंगानगर भरतपुर हस मिट्टी डस्ट रोए क्यूपेरनिकम RGCN रोए क्यूपेरनिकम। देखो एक्टिनियम रदरफोर्डियम ड्यूबनियम सीबोर्जियम बोरियम एजियम मेटरनियम डर्मास्टेडियम रोंटेगन क्यूपेरनिकम। उसके बाद देखो बैंगन बेटा बैंगन आलू गाजर इन थाली। काशी गए शंकर प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो फिर कल हार आ गया, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद नोबल गैसेस है नहीं आगर कर जीरो पर रन आउट। ठीक है बेटा अब देखो मैं इनके मैजिक नंबर्स बता रहा हूँ आपको। जब से सबसे पहले एस ब्लॉक में आ जाओ, एस ब्लॉक के मैजिक नंबर्स देखो। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, एक में दो ऐड करो बेटा कितना आएगा? तीन में आठ ऐड करो ग्यारह में आठ ऐड करो उन्नीस, ग्यारह में आठ ऐड करोगे तो उन्नीस, उन्नीस में अठारह ऐड करो थर्टी सेवन में अठारह ऐड करो फिफ्टी फाइव में बत्तीस ऐड करो एट्टी सेवन
बोलो सारे सही है या नहीं है ये सीक्वेंस, मैजिक नंबर्स एक का याद रख लो, बाकी ये मैजिक नंबर्स याद रखो, सबके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। यस सर। सेकंड ग्रुप का देखो, आठ आठ, 18 18 32, 8 8 18 18 32। देखो बेटा इसका चार है, चार में आठ जोड़ो, 12 12 में आठ जोड़ो, 20 बीस में 18 जोड़ो, 38 38 में 18 जोड़ो, छप्पन छप्पन में 32 जोड़ो, छप्पन ठीक, 88। बोलो इनमें कोई डाउट हो तो। नो सर। अरे बोलो भाई। नो सर। आप देखो ग्रुप थ्री, ग्रुप थ्री के लिए 18 18 18 32, 18 18 32, सर। हाँ बेटा। सर आपने ऊपर 1A 2A 3B क्यों लिखे हैं? अपन किधर वो भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्या बेटा? आपने ऊपर ऐसे क्यों लिखा है कि 1A 2A 3B? बेटा इस तरीके से मेंडलीफ ने बताया था, तो मतलब मेंडलीफ ने भी बिल्कुल सारी बातें गलत नहीं बताई थी, इसलिए मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। कल हमने लिखा था ना, जो एटॉमिक मास के भी आप पे जो साइंटिस्ट बता रहे थे क्राइटेरिया, उनमें सबसे बेस्ट कौन सा था? मेंडलीफ था। yes, sir. तो इसलिए वो मेंडलीफ के कंट्रीब्यूशन को डिस्कार्ड ना किया जाए, इसलिए ऐसा बताया गया था ये। ओके आगे बेटा बात समझ में। yes, sir. तो देखो इसके मैजिक नंबर्स क्या क्या हो गए ग्रुप थ्री के? 18 18 32। शाबाश। 18 18 अठारह अठारह बत्तीस, राइट। अब उसके बाद देखो यहां से लेके यहां तक पूरा कंप्लीट डी ब्लॉक, थर्ड ग्रुप को छोड़ के देख बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट इनके मैजिक नंबर्स हो गए आपके पास 18 32 32, 18 32 32 32। देख बेटा 18 32 32, जैसे इसमें पहले में स्कैंडियम का 21 है, 21 में 18 जोड़ो, 39 39 में 18 जोड़ो, 57 57 में 32 जोड़ो, 89 89। समझ गए? यस सर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? क्लियर है सर। समझ गए? यस सर। यस सर। आप देखो इनके अंदर था 18 32 32, तो 18 32 32 का जैसे टाइटेनियम का हो गया कितना, 22। yes, टाइटेनियम का 22 होगा ना बेटा? यस सर। अब जिरकोनियम, जिरकोनियम के अंदर 32 ऐड कर दो, 22 में 18 ऐड करो तो 40, और 40 में 32 ऐड करोगे तो 72, 72 और 72 में 32 ऐड करोगे तो बेटा 104। समझ गए बात? यस सर। सर ये जो रदरफोर्डियम है ना, हाँ सर, ये नेचुरल एलिमेंट है या फिर सिंथेटिक एलिमेंट है? बेटा शोक के बाद ये सारे सिंथेटिक एलिमेंट है, यूरेनियम के बाद ही मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, नेचुरली अक्रिंग कोई भी नहीं है, वो सब रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं। उसके बाद वेनेडियम में 23,
40 के बाद 41, देखो सीधी यो सीक्वेंस बदलते चले जाओ, इसमें 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, राइट, 39, 40, 41, 42, 43, MOTC का मतलब MO molybdenum TC technetium, ठीक है। ट्रिक क्या थी? ट्रिक बताई थी ना, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। पर मौत तक का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? मौत तक का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? मौत तक का क्या? मौत तक? अरे मौत मतलब डेथ तक यार। यारी जरा निभा मौत तक, नहीं समझा? लकी मतलब यारी दोस्ती मौत तक निभा, और रुकावट राह में पड़ जाए तो आग में कूद जा। बढ़िया ट्रिक नहीं बनाई है इसकी? हैं? यस सर। क्या बेटा? एक सौ बारह की बात देखो, 113, 114, 115, 116, 117, 118। आप देखो बेटा, इनका बोरोन से लेके यहां तक इन सब का मैजिक नंबर, देखो बेटा इन सब का मैजिक नंबर है 8। देखो बेटा बोरोन का 5 है, 5 में 8 जोड़ो 13, 13 में 18 जोड़ो 31, 31 में 18 जोड़ो 49, 49 में 32 ऐड करो 81, और 81 में फिर 32 ऐड कर दो। बेटा बोलो आ जाएंगे नहीं सबके? Yes, अब देखो कार्बन का 6, 7, 8, 9, ये ट्रिक लगा लो या सीधे आगे एक्सटेंड कर दो, 14, 15, 16, 17, 32, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 10, 18, 36। देखो इसको मैंने छोड़ दिया था बेटा लास्ट वाला, ये लास्ट वाले के मैजिक नंबर्स थोड़े से अलग से होंगे। देखो कैसे, हीलियम का 2 है ना, 2 में 8 जोड़ो 8, 8, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये किसके लिए बेटा? जीरो ग्रुप के लिए। ओके बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो इन मैजिक नंबर्स में किसी को भी? नो सर। बेटा समझ गए ना सब लोग? यस सर। अब देखो मैं एक ब्लैक लाइन बना रहा हूँ, इससे पहले सारे इसको डार्क कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये जो ब्लैक लाइन के बाद है ना बेटा, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है सर। बेटा समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? आ रही है सर। तो मेटलॉइड वाली लाइन है ना? हाँ, ये इसके ऊपर जो आ गए वो मेटलॉइड हो गए, जैसे बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और ये इनके बैक साइड में फिर मेटल्स और फ्रंट साइड में नॉन मेटल्स। समझ गए? इसके इस साइड में मेटल्स।
और इसके इस साइड में नॉन मेटल्स। क्या बेटा? हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है बेटा। हाइड्रोजन आज तक एक्सेप्शनल है, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है बेटा। और वैसे नॉन मेटल है? हाँ नॉन मेटल है हाइड्रोजन। देखो अब उसके बाद दो इसके अंदर गैप दिख रहे हैं तुम्हारे को, बड़े बड़े गैप। देखो ये जो 57 है बेटा, लैंथनम में 57 के बाद ऑफनियम का सीधा 72 आ रहा है। बताओ बेटा, आ रहा है नहीं आ रहा? देखो एक तो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है कुछ, और एक इसके जस्ट नीचे। देखो लेंथनम के बाद ऑफनियम जो है बेटा, इसमें लेंथनम और ऑफनियम में टोटल कितने का फर्क आ रहा है इसमें? देखो लेंथनम के बाद ऑफनियम और एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, तो ये टोटल 14 हो गए इसमें। और 15? 15 का नहीं आ रहा यार, दोबारा से काउंटिंग नहीं आती बेटा। दोबारा गिन बेटा, कितने का आ रहा है? 15 का आ रहा है, 14 का आ रहा है? है बेटा कितने का आ रहा है? 14 का। फिर अरे 57 तो आ लिया बेटा यहाँ पे लेंथनम का। देखो ये जो लेंथनम है यहाँ पे, इस लेंथनम का 57 होगा नहीं होगा? अब यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 14। बोलो 14 हुए रिवेश। अब देखो yes, लेंथनम के बाद, ये लेंथनम के बाद जो आएंगे उनको बोलेंगे हम लेंथनाइड्स। लेंथनम के बाद वालों को लेंथनाइड्स, और एक्टिनियम के बाद वाले को क्या बोलेंगे हम? एक्टिनाइड्स। लेंथनम के बाद वाले को लेंथनाइड्स और एक्टिनियम के बाद वाले को एक्टिनाइड्स। देखो ला सीपर नियो नियोप्रोसमा यूरोप गाड़ी तेरी डिस होलो अरबी ठुलियम 11 लुटे। देखो सीरियम 58, प्रेसेडोमियम 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 71। बेटा बोलो पूरा गैप भर गया नहीं भरा? फिर उसके बाद बेहतर एलिमेंट यहाँ आ गया ऑफनियम। देखो लेंथ ला सी सीरियम प्रेसेडोमियम पी आर नियोडियम नियोडियम पी एम प्रोमिथियम एस एम समेरियम ई यू यूरोपियम जी डी गैडोलिनियम टी बी टर्बियम डी वाई डिस्प्रोसोमियम एच ओ होलोनियम ई आर अरबियम टी एम ठुलियम और वाई बी एटरबियम और एल यू लुटीसियम। अब देखो एक्टिनियम के बाद यहाँ पे आएगा 89 था एक्टिनियम, 90। देखो ए सी थार प्रो ए सी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो एंटी करप्शन ब्यूरो ए एम सी एम बी के एंटी करप्शन ब्यूरो कैलिफोर्निया का ई एफ एम को नोबल प्राइज लॉरेंशियम में मिला। देखो बेटा थोरियम प्रोएक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिकेनियम सी एम क्यूरियम बर्केलियम कैलिफोर्नियम आइंस्टीनियम फर्मियम मेंडिलिवियम नोवेलियम लॉरेंशियम। बेटा ट्रिक सुनी या नहीं सुनी इनकी?
यस सर। तुम अपने खुद भी बना सकते हो अगर तुम्हारे को और कोई आसान बनानी आती हो तो, लेकिन याद होना चाहिए ये, ठीक है ना? यस सर। एक बार दो इन दोनों की रिपीट कर देना ट्रिक। क्या रिपीट कर देना? इन दोनों की एक बार ट्रिक रिपीट कर दो। देखो ए, ला सी पर, ला से शुरू हो रही है, ला से, ला सी पर नियो प्रो समा यूरोप गाड़ी तेरी डिस होलो अरबी ठुलियम यारा लुट्टे सीरियम प्रेसोडोमियम नियोडियम प्रोमिथियम समेरियम यूरोपियम गैडोलिनियम टर्बियम डिस्प्रेसोमियम होलोनियम अरबियम ठुलियम यटरबियम लुटीसियम एससी थार प्रो एससी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो एंटी करप्शन ब्यूरो एससी थार प्रो एससी। देखो एससी थार थोरियम प्रो एससी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो AMCMBK एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ का? कैलिफोर्नियम का। EFM आइंस्टीनियम फर्मियम और मेंडेलीवियम को नोबेल प्राइज लोरेंसियम में मिला, समझ गए बात? क्योंकि इनके नाम भी उसी के भ्याप पे रखे हुए, नोबेलियम लोरेंसियम शहर है या नहीं है? मेंडेलीव, मेंडेलीव साइंटिस्ट था, फर्मी साइंटिस्ट था, आइंस्टीन साइंटिस्ट था, कैलिफोर्निया शहर का नाम है, बर्केलिया शहर का नाम है, क्यूरियम सिटी, क्यूरियम लेबोरेटरी है ये, बोरियम लेबोरेटरी है यहाँ पे, बोरियम भी था ना, बोरियम और सी बोरजियम लेबोरेटरी के नाम थे, डर्म स्टेडियम शहर है, रोंटेगन साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे डिस्कवर की थी, आर एफ रदरफोर्डियम साइंटिस्ट था, यस और नो? ठीक है सर। बेटा समझ में आया नहीं आया? आया सर, आ गए। इसको अभी दो बार और याद कराऊंगा, तुम्हारे को कम से कम ये याद होनी चाहिए ट्वेल्थ में, तभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसके सॉर्ट आउट। ये फाइव है, फोर एफ सीरीज है, ठीक है सर, मतलब इसमें एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और ये कौन सी सीरीज है बोलते हैं इसको हम, फाइव एफ सीरीज। और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, इनको हम दोनों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं बेटा हम। देखो इनर मतलब इनकी जगह नहीं है यहाँ पे, ये कौन से ग्रुप में आएंगे सारे ये बेटा? ग्रुप नंबर तीन होगा, देखो चार से तो बेहतर आ गया ना, तो तीसरे में ही तो समा रहे हैं ये सारे, ये सर, तो ग्रुप नंबर थ्री में आएंगे ये। और क्या बोलेंगे हम इनको? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या हम बोलेंगे बेटा हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज because they are separated from main, इनको transition elements से separate किया गया है बेटा, इसलिए हम इनको inner transition elements बोलते हैं। बोलो समझ आया नहीं आया? बेटा समझ गए यहाँ तक बातें? यस सर। मेन ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या कह रहा है लकी सर? मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब अभी बताता हूँ। ये देखो ये इनर ट्रांजिशन तो हो गए एफ ब्लॉक, अब देखो ग्रुप ग्रुप थ्री टू ग्रुप थ्री टू इलेवन, तीन से ग्यारह तक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Because they transit the properties of metals towards non-metal, because they transit the properties of metals towards non-metals. Non-metals. समझ गए बेटा बात? Yes sir. They are known as transition elements because they transit the properties of metals towards non-metals. अब देखो general outermost configuration.
जनरल आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होगी, एस ब्लॉक में दो ग्रुप हो गए, ग्रुप वन एंड ग्रुप, एस ब्लॉक की जनरल होगी 1 to 2, NS 1 to 2। तो ग्रुप वन की बात करें तो NS 1 और ग्रुप टू की बात करें तो NS 2, वेयर N इज द पीरियड नंबर। जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप में, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट क्या होगी, 1s1। सोडियम थर्ड ग्रुप में, तो थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में सॉरी, तो थर्ड पीरियड में तो 3s1 होगी ना सोडियम की। यस सर। बेटा बोलो, समझ आया नहीं है? आ गया सर। तो ये एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें दोबारा बताना नहीं आया क्या बेटा? समझ में नहीं आया, पर दोबारा बताना। बेटा आउटर मोस्ट सेल के अंदर एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट सेल में होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो NS1 लिख दिया। दूसरे सेल में होंगे दो इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या लिख दिया हमने, NS2 लिख दिया। समझ गया बात? वहां पे N है पीरियड नंबर। देखो कैसे, जैसे सोडियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फर्स्ट ग्रुप के है ना बेटा ये सारे, तो लिथियम सेकंड ग्रुप में था तो आउटर मोस्ट क्या होगी इसकी, 2s1। ये थर्ड पीरियड में है तो 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। ओके ओके सर। बेटा बोलो, समझ आया नहीं है? यस सर। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम, बेरिलियम की होगी 2s2। मैग्नीशियम तीसरे पीरियड में है तो 3s2, 4s2। और स्ट्रोंसियम की क्या होगी, 5s2। बोलो बेटा, समझ आया नहीं है? यस सर। यस सर, आ गया। समझ गए सब लोग? समझ गए सर। अब देखो पी ब्लॉक, देखो पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक की जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा NS2 NP 1 to 6। देखो पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप थे तो टोटल क्या हो गया, NS2 NP 1 to 6। मतलब NS में तो फुल रहेगा और P में 1 से लेकर 6 तक भरे जाएंगे। ठीक है सर। तो देखो जैसे 13वां ग्रुप है, 13 से लेकर 18 तक था ना बेटा, तो 13th ग्रुप की क्या होगी, NS2 NP 1। 14th की क्या हो जाएगी, बताओ बेटा 14th की क्या हो जाएगी, NS2 NP 2। 15th की क्या हो जाएगी, NS2 NP 3। 16th की क्या हो जाएगी, NP 4। NS2 NP 4। 17 की NS2 NP 5। और 18 की क्या हो जाएगी, NS2 NP 6। अब देखो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ कि एस एन पी ब्लॉक, एस एन पी ब्लॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्स collectively known as representative क्या बोलते हैं बेटा इनको, हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव और
मेन ग्रुप एलिमेंट्स क्यों बोलेंगे बेटा इनको रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप, मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप, उनके ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मेन ग्रुप। ठीक है सर। नहीं समझे बेटा? समझ गए सर। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मेन ग्रुप और नॉर्मल, बिकॉज दे इन्वॉल्व नॉर्मल एलिमेंट्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, और उसको हम अल्टीमेट सेल भी बोलते हैं बेटा। औरों में नहीं होंगे ऐसे, आउटर मोस्ट सेल, अल्टीमेट सेल, और उसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले में भरे जाए। आउटर मोस्ट, अल्टीमेट और वैलेंस सेल, उनको क्या बोलते हैं बेटा हम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बोलो समझ आया नहीं है? आ गया सर। सबसे बाहर वाले सेल को क्या बोलते हैं बेटा हम? आउटर मोस्ट। क्या कोई बोलना चाह रहा है बच्चा कुछ? इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। क्या बेटा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। एस और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखो सबसे बाहर वाले में ही तो भर रहे हैं। एन मतलब पीरियड नंबर है, ये आउटर मोस्ट सेल कॉन्फिगरेशन। तो जिनमें सबसे बाहर वाले में भरे वो तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और बाहर वाले से एक अंदर वाले में भरा जाए, जैसे देखो मैं डी ब्लॉक की लिख रहा हूँ तुम्हारे पास कॉन्फिगरेशन। कौन पूछ रहा है बेटा ये? सजल। सजल नहीं समझा बात, क्या बोल रहा मैंने कि बिल्कुल बाहर वाले में भरे? देखो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन होगी एन माइनस वन, डी वन टू टेन, एन एस जीरो से दो। तो देखो बेटा एन एस तो क्या हो गया इसके अंदर अल्टीमेट, और ये एन माइनस डी वन टू टेन ये कौन सा हुआ? इसको बोलेंगे हम पेनल्टीमेट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जा रहे हैं, किस में भरे जा रहे हैं सजल? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन पेनल्टीमेट सेल, दैट इज इनको हम, दीज आर, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे डी ब्लॉक को। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? आया सर। सजल आ गया समझ में? हाँ सर। कि जिनके अंदर आउटर मोस्ट सेल में भरे जाए इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेट सेल में, तो उनको तो क्या बोलेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जिनमें आउटर मोस्ट सेल में नहीं भरे जाए उनको क्या बोलेंगे हम? मतलब अंदर वाले सेल इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएं, चाहे वो पेनल्टीमेट हो, पेनल्टीमेट के अंदर वाले होते हैं, प्री पेनल्टीमेट हो, तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। उसके बाद एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लिख दिया था ना ये बात हमने? यस सर। बेटा ऊपर लिख दी थी क्या एफ ब्लॉक के रिगार्डिंग ये बात? लिख दी थी सर शायद। क्या लिख दी थी सर? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक आर आल्सो नोन एज, ये बोर्ड भी थक जाता है लास्ट में, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख दिया था बेटा ये मैंने। ठीक है बेटा? यस सर। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके बेटा थैंक यू।